सर वो सारी बातें ठीक है, हमें तो मतलब ये चीज इतनी है कि जैसे वहाँ से बोली आई थी तो डेथ सर्टिफिकेट किसने दिया इस बोली का? मेरी बात सुना था, वो गंगाराम गया है वहाँ कोई नहीं, वो ये आदमी था और वहाँ उस टाइम की होगी थी, ठीक है, वहाँ उसी जगह वक्त लगा था होगी थी और उस टाइम वक्त भी था, ठीक है, उस टाइम वो गंगाराम जी उसका गए थे वहाँ गंगाराम जी प्रूफ कर रहे हैं कि मैं तो हो गया था, ये कह रहे हैं गंगाराम जी यहाँ लेके आए, मेरी बात तो सुनते रहो, वो आए लेके आए वो अपने वहाँ जगदी नहीं जगदी वही भगवान लेके गए अपने मूर्ति को, उसके बाद में तो हमने जेसीबी वेसीबी वो सब जब्त कर दी, यही नाम है जो रिपोर्ट देना चाहते हो वो क्यों की है या मेडिकल बोर्ड पुलिस प्रशासन ने जो किया है उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि पहले ले आते हैं इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको मोर्चरी के अंदर पहुंचा जाता है, भाई देखो रिपोर्ट दे दो भाई वो नहीं है तो भाई साथ साथ तो करी था वो तो कुत्ते ने करके गंदा किया है वो तो कुत्ते ने उमर मेनू वाल की नाम किसकी है कि रजिस्ट्रेशन का कागज किसी के पास नहीं मिला है खुद बोलता है जाति का जाति, पहले बोलता है कि भील, इंसान नहीं बोलता है, पहले बोलता है कि भील के भील था, फिर बोलता है मेघवाल था, उन्होंने आपने बोला ये बोला कि वो भील था, आप ये नहीं वो तो ऐसा है कि वहाँ पे किसी ने जो भी बोला ऐसा नहीं वो भील है इसका मैं अरे वो तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी ने बोल दिया भील है मेघवाल है जो भी हो उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन तो ये है कि भाई बॉडी वहाँ से आई इमरजेंसी वार्ड में नहीं गई, किसी ने वेरीफाई नहीं की बॉडी सीधी वहाँ मोर्चरी में जाकर रख दी, अगर आदमी जिंदा था पहले स्टाफ लाए थे उन्होंने लाके अगर अगर और वो यहाँ लाए नहीं, हमारा कहना ये अगर उस व्यक्ति की मोर्चरी रूम में हुई है तो उसकी गारंटी कौन लेगा, हम तो नहीं मानेंगे कि उसकी मूर्ति वहाँ हुई है, हम तो पीएमओ साहब के पास गए, पीएमओ साहब ने बोला कि हमारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो है लाल कुत्तो मरे वो चार दिन चौचाल फोर आवे ये भी आया नहीं इतनी जेत के मैं पुलिस आवे हमें आवे हमें आवे पहले अब जो रिपोर्ट कह रही कि वहां मृत घोषित किया या हॉस्पिटल लेके ले आए, ये का पुलिस कभी नहीं कर सकती, ये गंगाराम जी नहीं कर सकते, से करे सर्टिफिकेट वाले पैसे नाम नहीं दिखाते, हां नहीं जिसकी ड्यूटी ले आए थे जिसकी ड्यूटी थी पुलिस कर्मियों की वो ये वेरीफाई नहीं कर सकते थे कि इसकी डेथ हो गई है कि नहीं हो गई, उनका प्रथम कर्तव्य होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले आए और डॉक्टर उनको वेरीफाई करे कि इनकी डेथ हो गई है मुर्दा, वो फिर सर्टिफिकेट क्लियर करते हैं कि डेथ हो गई इनको आप मुर्दा घर में ले जाइए, डॉक्टर ने कहा है खुद अपने मन से लेके गए वो तो कौन कहे, हम तो नहीं कह सकते, वो आए थे लेके आए।
पेशेंट आएगा उनका तो रिपोर्ट रखते हैं, लेकिन आपको पेशेंट नहीं देना होता। आप कैंसर से बात हो कैजुअलिटी जरा वो हर पेशेंट ए सी डी को हम खंड आगे आपके पास आए भाई ऐसा कोई पेशेंट आया हो तो आप हमें बताओ कि वो पेशेंट है। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं अमित कॉलोनी निवासी हूँ जी। और जो यहाँ अभी जिस मैटर में हम आए हैं जी, ये सहदेव करके मेरे मम्मी जी के भाई हैं और मेरे मामा जी हैं जी। इनका हमें मालूम चला कि सिंधी चौराहे पे कोई एक्सीडेंट हुआ जी, और जैसे हमें सूचना मिली हम भागते हुए हॉस्पिटल आए जी। और यहाँ आके हमने हॉस्पिटल में जब पता किया तो इन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन ने बोला कि हमें कोई इस बात की जानकारी नहीं है। यही तो हम पता कर रहे हैं, हमें मालूम चल रहा है कि सीधा पुलिस प्रशासन ने सीधा सब को मोस्टरी में शिफ्ट कर दिया है। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इसकी डेथ घोषित किसने की, आपने की या पुलिस प्रशासन ने? तो वो बोल रहे हैं कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मृत पुलिस ने घोषित किया? अब हमें वहाँ मृत था या नहीं था इसकी कोई किसी को भी, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों को भी ये मालूम, डॉक्टर तो है नहीं वो जो वो मृत घोषित कर सके। हम यही पूछना चाहते हैं कि वहाँ मृत था या घायल था या क्या था वो। अस्पताल प्रशासन से आपको क्या क्या जवाब मिला? अस्पताल प्रशासन से हमें जवाब मिला कि हमें इस बात की कोई सूचना है ही नहीं कि यहाँ कोई शव आया है।